चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 की ट्रॉफी जीत ली है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम को पांचवी बार आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी चूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चेन्नई की इस ऐतिहासिक जीत में महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के चर्चे बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, लेकिन फाइनल मैच में आखिरी ओवर फेंकने वाले गुजरात टाइटंस के स्टार गेंदबाज मोहित शर्मा काफी गमगीन हो गए हैं। उन्होंने आखिरी दो गेंदों पर छक्का और चौका खाने के बाद अपनी आप बीती बताई है। बता दें, गुजरात टाइटंस को आईपीएल फाइनल के आखिरी ओवर में 13 रन डिफेंड करने थे, लेकिन तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने 20वें ओवर की शुरुआती 4 गेंदों में महज 3 रन दिए, जिससे सीएसके की सांसें अटक गई। अब चेन्नई को आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन बनाने थे। ऐसे में रविंद्र जडेजा ने 5वीं गेंद पर 6 और 6ठी गेंद पर चौका लगाकर चेन्नई को 5वीं बार चैंपियन बना दिया। गुजरात टाइटंस के हारने के बाद मोहित बेहद इमोशनल हो गए थे, जिसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी गले लगाकर उनकी हौसला अफजाई की। अब मोहित ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए बताया कि आखिरी गेंद पर बाउंड्री खाने के बाद उनकी नींद उड़ गई थी और वे रात भर सो नहीं पाए। 34 वर्षीय मोहित सिर्फ यही सोचते रहे वे अपनी टीम को जिताने के लिए और क्या कर सकते थे। मोहित ने आगे कहा कि फिलहाल अच्छा फील नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। हालांकि मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने 20वें ओवर को लेकर कहा, मैं जो करना चाहता था उसे लेकर मेरा माइंड क्लियर था। नेट्स में मैंने ऐसी सिचुएशन के लिए काफी प्रयास किया था, मैं पहले भी ऐसी सिचुएशन से गुजर चुका हूं। ऐसे में मोहित ने खुद को बैक किया और सभी गेंद सटीक यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वैसा नहीं हुआ। 34 वर्षीय गेंदबाज ने आगे बताया कि 5वीं गेंद पर छक्का खाने के बाद भी वे यॉर्कर ही डालना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह फोकस्ड रहना चाहता था, मैंने पूरे आईपीएल में यही किया है, लेकिन गेंद वहां गिरी जहां उसे नहीं गिरना चाहिए था। उसके बाद जडेजा ने बल्ला अड़ा दिया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बता दें कि आईपीएल के 16वें सीजन में मोहित शर्मा ने 14 मैचों में 25 विकेट लिए। इस एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में वे तीसरे नंबर पर रहे। दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें लगातार प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये खबर पसंद आई तो इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।